जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज फिर से मैं आपके लिए जनरल साइंस और जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं आज यहाँ पे लेके आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के रहेंगे, जिसमें ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो हैं वो हर बार आर्मी के एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। सो साथ में आप बने रहें, बायलैंग्वल आपके पास ये क्वेश्चन रहेंगे, साथ साथ में आंसर आप बताते रहें, खुद को आप चेक जरूर करें कि कितने आपके आंसर यहाँ पे जो हैं वो करेक्ट रहेंगे। विजयपथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज इज, तो सबसे प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व तो कौन सा होता है, जो सबसे प्रतिक्रियाशील श्रृंखला है, मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा रहता है। सोडियम, उसके बाद है के मतलब पोटेशियम, फिर है हाइड्रोजन और लास्ट है लिथियम। तो ऐसा कौन सा हमारा एलिमेंट रहता है जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, तो उस एलिमेंट का नाम है सोडियम, मतलब कि Na जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। और Na के साथ जो है वो हमारा पोटाशियम, लिथियम, हाइड्रोजन ये भी रिएक्टिव हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है वो हमारा Na रहता है यहाँ पे। अगले सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन फोटोग्राफी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसा कौन सा रसायन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता है। AgBr, AcL, AgL या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा हमारा केमिकल है जिसका फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा राइट आंसर हमारा आएगा AgBr, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, और इसको सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से जो है वो हम यहाँ पर जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मेटल दैट इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर, एक ऐसी कौन सी धातु है जो प्रकृति में बिल्कुल मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बिल्कुल फ्री स्टेट में पाई जाती है। हाइड्रोजन, फिर उसके बाद है कपूर, फिर है गोल्ड और सोडियम। सॉरी, यहाँ पे कपूर नहीं आएगा, कॉपर आएगा। यहाँ पे मेटल की बात की गई है तो यहाँ पे कॉपर है, आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं, कॉपर है यहाँ पे, तांबा जिसको हम बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड, मतलब कि सोना। सोना जो है वो बिल्कुल फ्री स्टेट में पाया जाता है। सोने के साथ साथ जो है वो आपका चांदी जो है ये भी आपकी फ्री स्टेट में ही पाई जाती है, मतलब कि सिल्वर भी आपका फ्री स्टेट में ही पाया जाता है, और ये सबसे लेस रिएक्टिव हमारे मेटल रहते हैं, ये किसी के साथ भी कोई भी जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, द कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करे, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का मतलब है टू स्पीड अप द रिएक्शन। जैसे कि अगर आग को जलाना है तो अगर मैं उसमें घी डाल दूं या पेट्रोल डाल दूं तो आग जो है वो जल्दी से रिएक्ट करेगी, जल्दी से वो फैलेगी। तो उसमें घी और वो जो हमने उसमें पेट्रोल डाला है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो एज ए कैटलिस्ट की तरह वह वहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो वैसे ही हमारा जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है जिससे हम वेजिटेबल ऑयल जो है वो हम बनाते हैं, तो उसमें कौन सा एलिमेंट जो है एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो उसमें हम यूज करते हैं निकल को। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विच ऑफ द अमंग देम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसी कौन सी राशि है जो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, मैग्नीट्यूड। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन किस में चली जाती है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चली जाती है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, सदिश राशि वहां पर मैं बोलता हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, ओनली ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। तो ऐसी कौन सी राशि है, डिस्टेंस मतलब कि दूरी, वेलोसिटी वेग,
डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है आपके पास डिस्टेंस या फिर आप बोल सकते हैं दूरी। तो फिफ्थ का ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके सामने, वट काइंड ऑफ वेव इज यूज बाय बैट टू कैच प्रे एंड फ्लाई इन द डार्क नाइट। मतलब कि जो चमगादड़ है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अंधेरे में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करती है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बाइलिंगुअल हैं दोनों के दोनों, आप ऑप्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं एक लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, दूसरा आप साइड बाय साइड यहाँ से देखते रहें। इंफ्रासोनिक है, अनुप्रस्थ मतलब कि ट्रांसवर्स, अल्ट्रासोनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी हमारी वेव है जिसका वो यूज जो है वो चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो अल्ट्रा साउंड में भी जो हम हॉस्पिटल में करवाते हैं उसमें भी हमारी अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज जो है वो किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवंथ की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। मतलब कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसका खून जो है वो गर्म होता है, गर्म रक्त वाला जानवर कौन सा है। कोबरा, फिर है मेंढक, छिपकली या कुत्ता। तो राइट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुत्ता। क्योंकि कुत्ता का जो है वो गर्म खून माना जाता है और इन तीनों का जो है वो कौन सा खून माना जाता है, बिल्कुल ठंडा खून जो है वो यहाँ पर माना जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा, कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर एट था आपके सामने, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का कारक जीव है, मतलब मलेरिया किसके कारण फैलता है, या आप बोल सकते हैं ये कौन सा हमारा ऑर्गेनिज्म है, वायरस है मतलब विषाणु, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो मलेरिया जो है वो हमारा किसके द्वारा फैलता है, वो फैलता है प्रोटोजोआ से। और अगर मैं एक इंसेक्ट की बात करूं तो आप सभी को पता है मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है आपके सामने, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड। मतलब कि रक्त जो है वो किस प्रकार का टिश्यू है। तो आई थिंक सबको ये पता है रक्त जो है वो संयोजी ऊतक है या फिर कनेक्टिव टिश्यू हम जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे मैं सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, जो आपके आर्मी एग्जाम में ज्यादातर यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला 10th हमारा क्वेश्चन है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, जल का अधिकतम घनत्व जो है वो कितने डिग्री तापमान पर रहता है। तो आपको ये यहाँ पे बताना है। सो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे है, मैक्सिमम डेंसिटी जो है वाटर की वो रहती है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो पानी का सबसे अधिक घनत्व जो है वो रहता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, विच गैस इज यूज्ड टू फिल द इलेक्ट्रिक बल्ब। बिजली के बल्ब को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वो गैस कौन सी है, उस गैस का नाम है आर्गन। ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। तो बिजली के बल्ब को जो है वो पुराने टाइम में आपने देखा होगा, जो येलो लाइट का एक बल्ब यहाँ पे ऐसे करके आता था और उसके बीच में एक बिल्कुल छोटी सी पतली वायर होती थी, वो हमारी होती थी टंगस्टन की, और टंगस्टन का सिंबल है W। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। टंगस्टन का जो सिंबल है वो है W। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब वो जल्दी से पिघलता नहीं है, तो इसलिए उसका जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो उसका फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनता है और इस बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो भरी जाती है आर्गन की। तो आर्गन जो है वो एक नोबल गैस हमारे पास यहाँ पे रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12th की बात करते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो आप सभी को पता होगा इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3.10H2O। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। तो धोने
कसोडा हम जिसको बोलते हैं, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा जो है हम जिसको बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ये आपको बिल्कुल ध्यान में यहाँ पर रखना है। जल्दी से आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि जो खाने का सोडा है या फिर बेकिंग सोडा हम जिसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा। जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिनेवार इज एन ओर ऑफ। सिनेवार जो है वो किसका अयस्क है, किसका ओर है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे लोहे का अयस्क जो है वो पूछा था, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। सो सिनेवार जो है वो हमारा ऑप्शन आएगा इसका मरकरी, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर आएगा। यहाँ पे हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे बुध नहीं आएगा, यहाँ पे पारा आएगा। मरकरी को एक्चुअल में पारा बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, लेकिन अगर मैं जीके की बात करूँ सोलर सिस्टम में, तो वहाँ पे मरकरी को बुध ग्रह जो है वो बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे एक सिली मिस्टेक जो है वो यहाँ पे हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है पारा। और मैं थर्मामीटर की अगर बात करूँ, तो थर्मामीटर आप सभी ने देखा होगा कुछ इस टाइप का थर्मामीटर रहता है। यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर दिया जाता है, यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी एक नोड जो है वो लगाई जाती है, और हम जो अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, आप सभी को पता होगा, जैसे हम बताते हैं कि मेरे को जो है वो 104 डिग्री जो है वो बुखार है, तो ये जो 104 है ये डिग्री किस में है, कैल्सियस है, केल्विन है, या फिर वो फारेनहाइट है। तो 104 डिग्री बुखार जो है वो हम फारेनहाइट में मेज़र करते हैं। आपको ध्यान में रखना है, घरों में जो नॉर्मल हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं पारे वाला, मरकरी वाला, वो जो टेम्परेचर मेज़र करता है, जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि हमें 101 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, वो किस स्केल पे मेज़र करता है, फारेनहाइट स्केल पे वो मेज़र करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ कि हम पारे का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं थर्मामीटर में, तो पारा इसलिए यूज़ किया जाता है मरकरी, क्योंकि अगर पारे को या मरकरी को हल्की सी भी अगर ज़रा सी हीट मिले तो वो क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, वो फैल जाता है, इसीलिए पारे का जो है वो थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। मस्तिष्क जो है वो किसके लिए जिम्मेवार है, तो आप सभी को पता होगा हमारा दिमाग सोचता भी है, हार्ट बीट को कंट्रोल भी करता है, बैलेंसिंग करता है बॉडी की, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, हु इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द मोबाइल फोन, मतलब कि मोबाइल फोन की डिस्कवरी का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है मार्टिन कॉपर। ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, मार्टिन कॉपर को जो है वो मोबाइल फोन की डिस्कवरी का श्रेय जो है वो दिया जाता है। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने ये, और मैं 30 क्वेश्चन जो है वो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बैक टू बैक आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किसके साथ जुड़ा है, मतलब कि नीली क्रांति, आप सभी को पता होना चाहिए नीली क्रांति किसके साथ जुड़ी है, दूध के साथ जो है वो वाइट रेवोल्यूशन हम बोलते हैं, उसके बाद जो हमारी गेहूं के लिए जो हम करते हैं वो हरी क्रांति यूज करते हैं, तो नीली क्रांति जो है ये हमारी जुड़ी है मछली और समुद्री उत्पादन से, फिश से ये चीज जुड़ी है, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, हु अमोंग फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ QUAD, तो क्वाड का सदस्य इसमें से कौन नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है, क्वाड का सदस्य कौन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे वो है चाइना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, तो चाइना जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है। आपको कमेंट में QUAD की फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपको बतानी है कि क्वाड की फुल फॉर्म जो है वो क्या रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला है। आप सभी को पता है नेताजी ने ये दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था, लेकिन अब आपको पता है लेवल जो है वो धीरे धीरे आर्मी का अप हो रहा है। आज हमीरपुर AR का जो है वो आपका आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट निकला है। ऑल इंडिया में अगर बात करें
तो अग्निवीर का पहला रिजल्ट जो है वो आर्मी का यहाँ पे निकला है, हमीरपुर और हिसार का आज रिजल्ट यहाँ पे निकला है। तो आप उसमें से देख सकते हैं कि जो मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वहाँ पे गई है, और 350 से ज़्यादा बच्चे जो है वहाँ पे उठाए हैं, 350 360 के आसपास टोटल बच्चे उठाए गए हैं। तो काफ़ी कम बच्चे जो हैं वो यहाँ पे उठाए गए हैं हर बार से, क्योंकि 2500 या 3000 के आसपास टोटल बच्चे भर्ती हुए थे। तो आप ये देख सकते हैं सिर्फ 15% या 20% बच्चे ही वहाँ से जो हैं वो उठाए गए हैं, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लेवल जो है वो क्वेश्चन का अब धीरे धीरे अप होता जा रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 18 था आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है वो नेताजी ने तो दिया है, लेकिन वो कहाँ पर दिया था ये आपसे यहाँ पे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बर्मा में जो है वो इसका नारा जो है वो यहाँ पे दिया गया था। बर्मा कहाँ पे है? म्यांमार में है। तो म्यांमार का पुराना नाम आपको सभी को पता है, इसी को बोला जाता है। तो ये जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? वेस्ट की तरफ कौन सी नदी जो है वो फ्लोट करती है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो आई थिंक आप सभी को पता होगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसके बाद सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब कि ये भी क्वेश्चन आपसे एडवांस लेवल का यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि स्टैटिक जीके जब भी हम लर्न करते हैं या बच्चे आर्मी के जब भी उस चीज़ को लर्न करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है और सबसे छोटी चीज़ कौन सी है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी तो है, लेकिन उसके बाद कौन सी नदी है, मतलब कि दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में है यमुना, गोदावरी, ताप्ती और कावेरी। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, गोदावरी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहना है। उसके बाद चिपको आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन आप सभी को पता है पेड़ों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने स्टार्ट किया था, और इसको जो स्टार्ट किया गया था वो 1973 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1973 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, और जिन्होंने ये स्टार्ट किया था सुंदर लाल बहुगणा, ये आप सभी को पता होना चाहिए इन्होंने स्टार्ट किया था। आप कमेंट में बताएं कि ये यूपी से स्टार्ट हुआ था या फिर उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश से इसको शुरू किया था या फिर उत्तराखंड से शुरू किया था। पेड़ों से रिलेटेड ये काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई गई थी 1973 में, और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रिएट अ कन्वेंशनल फ्रंटियर बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, मतलब कि कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा जो है वो बनाती है, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत को जो है वो अलग करती है। आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये समझ सकते हैं, एक बाउंड्री लाइन जो है वो वहां पे बनाती है। तो उसका राइट आंसर है वो नदी है आपके पास नर्मदा, ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसकी बात करते हैं, पूरे देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल हिंदी डे यहाँ पे पूछा है, क्योंकि हिंदी के 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक नेशनल होता है एक इंटरनेशनल होता है। तो पूरे देश भर में हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को जो है वो पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इंटरनेशनल हिंदी दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, जल्दी से आप कमेंट करें कि इंटरनेशनल हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफी बार आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति जो हैं वो रह चुके हैं, और ये एक साइंटिस्ट थे, और एपीजे अब्दुल कलाम ने काफ़ी ज़्यादा किताबें जो हैं वो लिखी हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट इनकी बुक्स है विंग्स ऑफ फायर।
अगला क्वेश्चन है 25th, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज सिचुएटेड एट, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है ये, जेनेवा, पेरिस, रोम या फिर न्यूयॉर्क। तो आप सभी को पता होना चाहिए न्यूयॉर्क में जो है वो इसका हेड ऑफिस यहाँ पे स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत रत्न से सम्मानित उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर को हुई थी और उस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिन जो है वो मनाने का निर्णय जो है वहाँ पे लिया है, किसी की याद में या फिर किसी की अचीवमेंट में, तो काफ़ी अच्छी बात है ये कि नए दिन जो है वो यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा नेशनल जैवलिन थ्रो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता, नीरज चोपड़ा जी को आप सभी जानते हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो लिया था, और जब उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, जिस दिन उन्होंने पहला जैवलिन में गोल्ड मेडल लिया उसी दिन को भारत सरकार ने ये घोषणा कर दी कि जिस दिन आपने ये गोल्ड मेडल लिया है उसी दिन से हम नेशनल जैवलिन थ्रो डे जो है वो हम मनाना स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी बड़ी बात है। वैसे ही ऐसे कौन से भारत रत्न अवॉर्डेड एक व्यक्ति थे जिनकी याद में 6 दिसंबर को जो है वो महापरिनिवारण दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है, तो उनका नाम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, व्हेन डिड द पार्शन ऑफ बंगाल फॉर्मली केम इनटू फोर्स, बंगाल का विभाजन औपचारिक रूप से कब हुआ था, मतलब कब उसे अधिकार में अपनाया गया था। तो आप सभी को पता है 16 अक्टूबर 1905। अब पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो पहले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर आपसे पूछा जाता था और ज़्यादातर बच्चे 1905 जो हैं वो याद कर लेते थे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कंपटीशन टफ होता जा रहा है, एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए अब उस ईयर के साथ साथ आपको डेट भी यहाँ पर बतानी जो है वो ज़रूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रीजन सैफ्रन गेट GI टैग, केसर जो है उसको GI टैग मिला है, ये किस क्षेत्र या किस राज्य से संबंधित है। तो आप सभी को पता है केसर सबसे ज्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केसर जो है वो हिमाचल, उत्तराखंड या लद्दाख में नहीं पाया जाता, इन तीनों के तीनों एरियाज में भी केसर जो है वो अब पाया जाना मतलब शुरुआत जो है वो किसानों के द्वारा कर दी गई है, या इससे पहले भी केसर हिमाचल के कुछ ऊपरी हिस्से जो हैं हमारे बर्फीले एरिया जो है वहाँ पे केसर जो है वो पाया जाता है, लेकिन जो GI टैग मिला है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है, वो मिला है कश्मीर के केसर को। ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो है ये कश्मीर के केसर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से नहीं, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, बांग्लादेश ऊपर आएगा, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इनमें से जो त्रिपुरा, असम और मिजोरम है, इन तीनों की तीनों सीमा, ये तीनों के तीनों राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, और नागालैंड जो है वो इसका राइट आंसर है। नागालैंड की सीमा जो है वो त्रिपुरा के सॉरी बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। लास्ट के दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस सॉरी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, इन विच स्टेट इज द संघाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, संघाई फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में यहाँ पर मनाया जाता है, लास्ट क्वेश्चन है। तो संघाई जो है ये फेमस हमारा उत्सव है और ये मनाया जाता है मणिपुर में, और मणिपुर की राजधानी की बात करें तो इम्फाल इसकी कैपिटल है। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है यहाँ पर, सो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर मैं लास्ट में एक फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार मैं डिस्कस करूँगा,
आई थिंक इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, तो मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा एक बार मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ फिर से। क्वेश्चन आपके साथ ये बोला गया था, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन रिएक्टिव सीरीज, मतलब कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो मेटल कौन सी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सोडियम की और पोटाशियम की, तो पोटाशियम जो है उनमें सबसे नंबर वन पर आता है और सोडियम नंबर टू पर आता है। तो यहाँ पर पोटाशियम आपके पास गिवन है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। पहले मैंने आपको सोडियम बताया था, सोडियम भी हमारा रिएक्टिव मेटल है, लेकिन अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो सोडियम हमारा दूसरे नंबर पर आता है और पोटाशियम हमारा पहले नंबर पर यहां पर रहता है। इसलिए जिसका राइट आंसर पॉसिबिलिटी जो सबसे ज्यादा बन रही है वो है ऑप्शन नंबर बी, पोटाशियम। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर करें। जल्दी ही नई क्लास के साथ हम यहां पर आपके साथ मिलेंगे दोबारा से, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।